हेलो दोस्तों, नमस्कार। चामलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक बिल्कुल नया तरीके का बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बोला जा सकता है उसे। और वो किस प्रकार बनाते हैं और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया है दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो देखो। तो दोस्तों सर्वप्रथम इस बोर्ड को बनाने के लिए आपको एक पीवीसी बोर्ड लेना होगा। मैंने यहाँ पे 8-6 का पीवीसी बोर्ड लिया दोस्तों। उस बोर्ड में आपको 2 5-pin सॉकेट मैंने लिया है, उसके बाद 3 स्विच लिया है दोस्तों, और साथ ही 2 होल्डर, 1 सोल्डर आयरन, इस तरह का पेस्ट, रंग, चिमटी, नाइफ, उसके बाद ये ग्लू स्टिक आप देख पा रहे हैं, स्केच, पेचकस, कटर, निपर, और ये एक अच्छा क्वालिटी का चार्जर होना चाहिए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वालिटी का चार्जर है, और साथ ही 2 USB सॉकेट जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों कुछ वायर का टुकड़ा लेना होगा हमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस होल्डर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और साथ ही ये दोनों जो सॉकेट है दोस्तों उसे हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने होल्डर के लिए 2 और 2, 4 होल्स यहाँ पे कर लिया दोस्तों। अब हमें ये वाला सॉकेट जो दोस्तों USB सॉकेट के लिए हम यहाँ पे कटिंग करना होगा, और कटिंग हम इस सोल्डर आयरन की वजह से की मदद से हम करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं, चलिए कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन किस प्रकार करना है हमें, इस तरह से बोर्ड को हम पलट देते हैं, और दोस्तों इसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे, जिस प्रकार की ये 5-pin सॉकेट और ये होल्डर, ठीक है, को हम दोस्तों सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये 5-pin सॉकेट और ये होल्डर जो है दोस्तों ये पैरेलल में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो है दोस्तों आपको ये डायरेक्ट लाइन हो जाएगा, और ये वाला दोस्तों ये इनडायरेक्ट लाइन होगा। तो इस वाले सॉकेट का स्विच ये होगा, इस वाले सॉकेट का स्विच ये होगा, और ये बीच सेंटर में जो दोस्तों स्विच है, ये स्विच आपको ये चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग के लिए जो यहाँ पे मैं चार्जर लगाने वाला हूँ दोस्तों, इसे फिक्स करने वाला हूँ, ये दोनों सॉकेट के लिए होगा, ठीक है, चार्जिंग सॉकेट के लिए। तो किस प्रकार हम कनेक्शन करेंगे चलिए हम करते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक लंबा टुकड़ा कुछ इस साइज का लेते हैं, और स्विच के निचले टर्मिनल को हम एक दूसरे से सीरीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसे हम पूरा छील लेंगे। ये बोर्ड दोस्तों एक्चुअली में सीरीज बोर्ड भी होगा, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड भी होगा। यदि आप मैकेनिक हैं या काम सीख रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये बोर्ड बहुत ही काम का चीज़ होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम इस स्विच को जो है सीरीज कर लेते हैं। उसके बाद नॉट को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो अपना वायर एक्स्ट्रा बच जाता है दोस्तों उसे हम कट कर लेंगे। एक वायर यहाँ पे येलो वायर ले लेते हैं लंबा वाला, इससे अपना ये वोल्टेज जो है दोस्तों ये लाइन इस बोर्ड में अपना इन होगा, और इसे दोस्तों हम स्विच के एक टर्मिनल पे यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि अपना सीरीज वायर था निचला टर्मिनल का, ये लाइन के लिए हो गया दोस्तों, लाइन इन के लिए। और एक ब्लैक वायर लेते हैं, इससे अपना न्यूट्रल इन होगा, और इसे इस सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल पे यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और साथ में इसे हम इस सॉकेट को भी न्यूट्रल हम यहाँ ही से दे देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेड सॉरी
ब्लैक वायर और ब्लैक वायर का टुकड़ा और लेंगे एक। इन दोनों ब्लैक वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करके हमें इस टर्मिनल पे हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों राइट वाला 5 पिन सॉकेट, ये सीरीज बोर्ड के लिए होगा, सीरीज बल्ब के लिए, इस वाले बल्ब के लिए। और ये जो लेफ्ट साइड में दोस्तों जो देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट के लिए होगा। तो डायरेक्ट जो करेंगे हम, तो एक होल्डर को भी जाना होगा यहाँ पे न्यूट्रल, इसीलिए एक ब्लैक वायर और ले लेते हैं हम। ये वाला ब्लैक वायर जो कि इस लेफ्ट साइड वाला होल्डर को डायरेक्ट जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ कनेक्ट करते हुए हमें इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल जो कि ये वाला टर्मिनल है दोस्तों, इसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे। पुनः हमें दोस्तों यही प्रोसेस करना है, दो रेड रेड वायर का टुकड़ा दोस्तों लेना है और उसे इस स्विच जो यहाँ पे जस्ट राइट साइड में है दोस्तों इस सॉकेट के, उसके ऊपरी वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट कर लेना है। और इसका दूसरा छोर जो है दोस्तों जो कि यहाँ पे जॉइंट है, ये 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट टर्मिनल पे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरह से मैंने इस स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, इस स्विच से इस सॉकेट में कनेक्ट लाइन सप्लाई होगा और यही सप्लाई दोस्तों होल्डर को जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रेड वायर एक्स्ट्रा ले लिया है और सॉकेट के माध्यम से सॉकेट से यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। और इसे हम इस होल्डर के लिए हम यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, तो रेड फेज के लिए और ये ब्लैक जो है न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला कनेक्शन अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और ये वाला अब आते हैं हम सीरीज बोर्ड की तरफ, ठीक है, इस बल्ब की तरफ। तो इस होल्डर पे दोस्तों न्यूट्रल तो चला गया, ठीक है, न्यूट्रल चला गया। अब दोस्तों इस टर्मिनल पे हमें इस स्विच से जो है हमें नहीं देना है, यदि यहाँ पे हम डायरेक्ट दे दें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों सॉकेट, अब हमें इस होल्डर के माध्यम से देना होगा। तो हम एक वायर लेंगे, एक नहीं दोस्तों दो वायर लेंगे हम, ग्रीन वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक वायर को यहाँ पे 5 पिन सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और इसे हम बाहर की तरफ होल्डर के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। ये फेज यहाँ पे मिलना चाहिए इसे, लेकिन मैंने यहाँ पे होल्डर को दे दिया है। अब दोस्तों एक वायर जो बच जाता है, एक वायर हम यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल जो कि डायरेक्ट फेज के कांटेक्ट में रहेगा, और इसे भी हम बाहर की तरफ होल्डर के लिए निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फेज जो है हम इस सॉकेट को दे रहे हैं बल्ब के माध्यम से, ठीक है। ये दो जो दोस्तों वायर है ग्रीन कलर का, इसे हम फेज के लिए जो है दोस्तों इस सॉकेट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि होल्डर के माध्यम से इस सॉकेट में इन होगा फेज, ठीक है। ये दो वायर को भी हम आगे की तरफ निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अपना बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ ये स्विच जो है दोस्तों बच जाता है। तो स्विच में हम एक न्यूट्रल और एक फेज जो एक चार्जर को चाहिए दोस्तों, तो न्यूट्रल तो दोस्तों हम डायरेक्ट ही दे देंगे, एक न्यूट्रल वायर और एक वायर इस स्विच के माध्यम से हम देंगे। तो दो वायर यहाँ पे हम निकालना होगा हमें मोबाइल चार्जर के लिए। यहाँ पे हमने दो छोटे टुकड़ा जो है वायर का दोस्तों ले लिया है, और फेज के लिए दोस्तों हम इस स्विच से लेंगे, ठीक है। इस स्विच के माध्यम से फेज जो है मोबाइल चार्जर को जाएगा, और हम दोस्तों न्यूट्रल के लिए हम सिर्फ पुनः जो है इस सॉकेट को के न्यूट्रल टर्मिनल को हम ओपन कर लेते हैं, और इसमें जो है दोस्तों एक वायर न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम मोबाइल चार्जर के न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ डाल देते हैं।
और इसे यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो वायर हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये न्यूट्रल के लिए हो गया, ये फेज के लिए हो गया इस स्विच के द्वारा। और उसमें भी दोस्तों आप ये इसमें ये जो है मोबाइल चार्जर के लिए है स्पेशल वायर, और इसे भी हम दोस्तों कनेक्ट करने वाले हैं। अब एक मोबाइल चार्जर हम ले लेते हैं यहाँ पे अब, और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मोबाइल चार्जर मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये दोस्तों डीसी आउटपुट है 5 वोल्ट जो कि सॉकेट को जाएगा, ये वाला सॉकेट को। और ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एसी इनपुट है दोस्तों, 1.2 पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे एसी इनपुट के लिए। अब इन दोनों वायर को दोस्तों यहाँ पे हम क्रमशः कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों ये ब्लैक वायर जो दोस्तों ये नेगेटिव है, नेगेटिव 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों सॉकेट्स को अब हम इन दोनों से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, चूँकि सॉकेट में आपको प्लस माइनस उल्टा हो सकता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, बीच में प्लास्टिक, यहाँ पे कम स्पेस है। तो कुछ इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो ये वाला जो है लेफ्ट साइड दोस्तों, लेफ्ट साइड वाला ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और राइट साइड वाला नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऊपर वाले जो चार पिन दोस्तों, यहाँ आपको एक सॉकेट में चार पिन नज़र आ रहा है, चार पिन में से ऊपर वाले जो सॉकेट है दोस्तों उसे मैंने यहाँ पे रेड वायर से कनेक्ट कर दिया जो कि प्लस 5 वोल्ट है। उसके बाद नीचे वाले जो निचला चौथा जो पिन है दोस्तों उसे हमने यहाँ पे नेगेटिव वायर जो कि ब्लैक वायर है दोस्तों मोबाइल का चार्जर का, उसमें हम कनेक्ट कर लिए, ठीक है। ये अब बारी आती है इसका एडजस्टमेंट के लिए और इसको जो है सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक लिया है दोस्तों। अब ग्लू स्टिक की मदद से इस चार्जर और इन दोनों सॉकेट को हम यहाँ पे अच्छी तरह से जो है सपोर्टिंग कर लेंगे, यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक का जो कुछ पीस कर लिया है और इसे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अब इसे सपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे सॉकेट को बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों इस चार्जर को भी हम इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों हम बोर्ड के दूसरी तरफ चलते हैं और दोनों होल्डर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बोर्ड को पलट दिया है दोस्तों। अब बारी बारी से दोनों होल्डर का कनेक्शन क्रमशः कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को दोस्तों पूरी तरह से सेट कर लिया, फिट कर लिया है। अब दोस्तों हम इसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे इस एक्सटर्नल एक्सटेंशन बोर्ड से जो है इस बोर्ड को लाइन सप्लाई देंगे इस तरीके से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला स्विच जो है दोस्तों, ये वाला स्विच अभी ऑन है लेकिन ये बल्ब अपना नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोस्तों सीरीज बल्ब है, ठीक है, सीरीज होल्डर है, सीरीज सॉकेट है। और ये देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल है, इसलिए हम जला के देखते हैं एक बार। आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ही जल रहा है अच्छी तरीके से। तो इसमें दोस्तों आप नॉर्मल तरीका से यूज कर सकते हैं आप अपना इस सॉकेट से और इस बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगा के, ठीक है। लेकिन ये वाला जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये वाला यूएसबी, ये मोबाइल चार्जर के लिए है दोस्तों, ये स्पेशल यूएसबी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये सीरीज बल्ब भी नहीं जल रहा। तो इसमें इस तरह का जो है आपको ये सिर्फ चेकिंग बोर्ड है दोस्तों, चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, देख पा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 पिन और 2 वायर को जो है 2 पिन में यहाँ पे सेट कर लिया है इस तरीके से। अब इसे हम इस 2 पिन को इस सॉकेट में हम डालेंगे और सॉकेट स्विच को जो है ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
इस तरीके से ये वर्क करेगा। जो ही वायर को जो हम टच कराएंगे इस तरीके से, तो ये बल्ब अपना जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस बोर्ड से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान सबको चेक कर पाएंगे, या इलेक्ट्रिक सामान जैसे फैन कंटिन्यूटी को चेक कर पाएंगे। स्पेशल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, वायर चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम आते हैं दोस्तों मोबाइल चार्जर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक यूएसबी वायर हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब इसे हम इस दोनों पोर्ट में जो है इसे हम डालेंगे इस तरीके से, और स्विच ऑफ कर देते हैं तत्काल फिलहाल। अभी अब हम डाल के चेक कर लेते हैं एक बार मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा अपना। अब स्विच ऑन करते हैं हम अपना। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है अपना, और अपना बोर्ड भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अपना मोबाइल चार्जर जो अंदर में है दोस्तों वो भी काम कर रहा है, और ये स्विच भी वर्क कर रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको दूसरा पोर्ट में लगा लिया है, और स्विच को ऑन करते हैं, और चार्जर को यहाँ पे इस तरीके से हमने इस वायर को यहाँ पे मोबाइल में डाल लिया है दोस्तों। अब हम ऑन करते हैं स्विच। ऑन करने के बाद देख पा रहे हैं कि ये भी चार्जिंग ओके है अपना, चार्ज स्टार्टिंग है चार्ज। तो इस तरह से दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर भी जाइएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।